थैंक यू टू शिमला गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए जगह दिया, थैंक यू। ये देखिए डॉग्स भी यहाँ इंजॉय करने आ रहे हैं। शिमला से 8 किलोमीटर दूर है और ये नाइट व्यू है, देखिए कितना प्यारा है, अमेजिंग। शिमला में ओल्ड बस स्टैंड में मुन्ना भैया की ये शॉप है और यहाँ पे जो है ये मोमोज बहुत अच्छा बनाते हैं और बॉइल्ड एग रखते हैं। और अभी यहाँ शिमला में जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, ठंडी है और मोस्टली लोग जो है यहाँ से खाने आते हैं, बहुत टेस्टी है, मैंने भी ट्राई किया है। तो जो भी लोग शिमला आ रहे हैं वो ओल्ड बस स्टैंड, राइट, ओल्ड बस स्टैंड के पास में मुन्ना भैया की शॉप है, वहाँ आके ज़रूर मोमोज और ये जो बॉइल्ड एग हैं वो ट्राई कीजिएगा। शिमला अभी 8 किलोमीटर बचा हुआ है और ये हाईवे है, देख सकते हैं आप, ये रोड जो है शिमला जाएगा। और आप ऊपर देखिए, ये सारे होटल्स हैं और होम स्टे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोकल लोगों के घर भी हैं यहाँ पे, मार्केट है। ये शिमला से 8 किलोमीटर पहले का मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ। लोग देखने के लिए आए हैं कि अगर होम स्टे मिल जाए तो होम स्टे जो है थोड़ा सा चीपर कॉस्ट में मिल जाता है इन कंपेरिजन टू होटल्स। सो ये भी एक होम स्टे है अंडरग्राउंड, यहाँ रूम्स अवेलेबल है। देखिए तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, स्टेप्स थोड़े से बड़े बड़े हैं क्योंकि ये पहाड़ियाँ काट के ये सब बना है और ये अंडरग्राउंड है, ये पूरा अंडरग्राउंड है। और आप यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा है, लाइटिंग्स बहुत अच्छी है इसकी और इसकी है, नीचे तो पूरा खाई है, अगर नीचे देखेंगे तो ये देखिए नीचे में पूरा ये खाई है यहाँ, और वहाँ नीचे भी घर बने हुए हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से मेरे को डर भी लग रहा है नीचे देखने में, वाह, ये दिन में देखेंगे तो ये पूरा खाई है और हम अभी टॉप में हैं, मुझे यहाँ से वीडियो लेने में भी थोड़ा सा डर सा लग रहा है। ये पूरा देखिए आप, वहाँ देखिए कितना प्यारा है, पूरा नीचे वहाँ पे रोड है, वहाँ एक गाड़ी भी पार्क है, आप देख सकते हैं वो वाइट कलर की। और ये है पूरा, ये यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरा यहाँ बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे आके हिल स्टेशन में। शिमला हम लोग विज़िट करने वाले हैं और अभी हम शिमला से 8 किलोमीटर दूर हैं और ये नाइट व्यू है, देखिए कितना प्यारा है, अमेजिंग। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय विंडो इन मनाली, यू कैन सी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आउट देयर, माउंटेन्स भी हैं, ग्रीनरी भी है। और इधर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, होटल्स, मोस्टली होटल्स हैं ये। और सामने में वो जो एक आप देखेंगे वहाँ सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। ये यहाँ जाली लगी हुई है एक्चुअली, तो इसको बाहर से दिखा नहीं सकते और रिस्क भी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है यहाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल आउट हियर। तो शिमला में ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, 3 लोग हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं और हमने इसका जो है जो पे किया है वो 200 रुपये पार्किंग का है, बाकी 200 रुपये पर हेड पे किया है। ये हमारा सब सामान वामान बिखरा पड़ा है अभी यहाँ पे, ये सब कलेक्ट करेंगे और 9:30 बजे जो है हमको इसको छोड़ना है। ये यहाँ पे छोटा सा रैक दिया हुआ है, यहाँ अपना छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं, जूते रख सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ है। ये यहाँ पे गुरुद्वारा है जो शिमला में आपको मेन मार्केट में गुरुद्वारा देखने के लिए मिल जाएगा। गुरुद्वारा समिति की तरफ से ये छोटा सा होटल बनाया हुआ है और ये यहाँ का टॉयलेट है, वॉश बेसिन और ये, और यहाँ पे गीजर भी अवेलेबल था तो हमने आज गर्म पानी से यहाँ पे नहा लिया। क्लीन था सब कुछ, रूम भी क्लीन था, बस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पैकिंग वैकिंग हमारी हो गई है, टाइम हो रहा है अप्रोक्स आई थिंक 9:30, अब बस यहाँ से निकलते हैं आगे की डेस्टिनेशन के लिए। गाड़ी की हालत देखिए कितनी गंदी हो गई है, चारों तरफ से मड भी हो गया है और धूल भी बहुत सारी लग गई है, गाड़ी पूरी धूल में हो गई है, पीछे से भी
ये यहाँ एक पार्किंग है गुरुद्वारे की, और सामने में एक बहुत बड़ी पार्किंग और है, वो वहाँ आप देख सकते हैं। सामने में एक बहुत बड़ी पार्किंग है उस साइड में, और यहाँ पे सिखों का जो गुरुद्वारा है उसकी कमेटी द्वारा ये छोटी सी पार्किंग बनाई गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ सारे जगह जितने भी हैं होटल्स हैं यहाँ पे, और हमको यहाँ बहुत रीज़नेबल रेट में गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा सिंह साहब शिमला, यहाँ पे हम लोग ने आज जो है स्टे किया। ये देखिए डॉग्स भी यहाँ इंजॉय करने आ रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। मुझे पहले ये लग रहा था होटल है, लेकिन फिर मैंने यहाँ का बोर्ड पढ़ा, ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, यहाँ का शिमला का हॉस्पिटल है। थैंक यू टू शिमला गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए जगह दिया, थैंक यू। यू कैन सी दिस इज शिमला राइट नाउ, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है बर्फीले पहाड़ भी देखेंगे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एंड हम अभी शिमला से निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में मैंने ये देखे माउंटेंस, तो मैंने बोला आप लोगों को एक बार जो है इसको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बर्फ़ के माउंटेंस हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल।